10 नटालिया कुज़नेत्सोवा। नटालिया रशिया की रहने वाली ये 28 वर्षीय महिला रशिया की सबसे मस्कुलर महिला है। वो 14 साल से वर्कआउट कर रही हैं, जिसकी वजह से आज उनकी बॉडी को हल्क से कंपेयर किया जा सकता है। इनके 18.5 इंच के बाइसेप्स और 220 पाउंड की मसल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। नटालिया ने 14 साल की उम्र में थोड़ा बहुत वजन बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, ताकि उनके स्विमिंग सूट उनको फिट हो सके। मेरे ख्याल से नटालिया शायद वो गोल तो अचीव कर चुकी हैं और अब वो उन लोगों को कोचिंग देती हैं जिन्हें परफेक्ट बॉडी चाहिए उनकी तरह। नटालिया दिन में कई घंटे लोगों को ट्रेनिंग देती है और खुद को भी रेगुलर वर्कआउट के साथ मेंटेन रखती है। नटालिया के नाम पर कई डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस के रिकॉर्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो रशिया की सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं। नटालिया एक इंस्टाग्राम स्टार भी हैं, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मसल्स की तरह उनकी पिक्चर्स पर लाइक भी काफी ज्यादा हैवी होते हैं। 9 चिंत्या चंद्रनया इंडोनेशिया में रहती हैं। शायद इस न्यू फीमेल ब्रूसली में जो चीजें देखने वाले हैं, वो आज तक की आपके द्वारा देखी गई चीजों में सबसे ज्यादा कूलेस्ट होंगी। जरा देखिए इन फिनोमिनल स्किल्स को, जो कि दूसरे सुपर किकर्स की तरह हैं। वो अपनी किक के साथ फुली एम्बिडेक्स्ट्रस हैं। चिंत्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जहां पर वो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को दिखाती रहती हैं। यूट्यूब पर उनके व्यूज 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 8 कैसिया मेरेलिस। कैसिया ब्राजील से एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल है, जिसके 3 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। इस खूबसूरत युवा महिला ने खुद सोशल मीडिया डीवा का नाम कमाया है, और ये सब कैसिया के अद्भुत इनक्रेडिबल फिजिक के कारण है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतने सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो इतनी फिट और अपने शरीर को परफेक्ट शेप में कैसे रखती हैं? कैसिया कहती हैं कि उनके वर्कआउट्स में हल्का वजन और पॉलीमेट्रिक शामिल है, जैसे कि जंपिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स और बॉक्स जंप्स। ये सब उनके शरीर को चुस्त रखने में मदद करते हैं। ये भी बताया जाता है कि कैसिया तब से फिटनेस में है जब वो 5 साल की थी, सिर्फ एक छोटी लड़की थी। कैसिया ने अपने पिता और भाई से प्रेरणा ली, जो उनके हर कदम का समर्थन करते रहे हैं। 7 हेबा अली। हेबा बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ पावर लिफ्टिंग और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। हेबा वैसे तो न्यू जर्सी में रहती हैं, लेकिन उनका जन्म जॉर्डन में हुआ था। उनके मोटिवेशनल वर्कआउट के वीडियोस और नेवर गिव अप की स्ट्रेटजी की वजह से उनके इंस्टाग्राम पर 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हेबा ने कभी भी पब्लिकली अपनी डेट ऑफ बर्थ ना ही बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लेट 20s में पैदा हुई थी और 5 फीट 6 इंच की हाइट के साथ उनका वजन है 150 पाउंड। वो अपनी हाइब्रिड ट्रेनिंग की वजह से जानी जाती हैं, जिसमें उन्होंने बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और मोबिलिटी ड्रिल्स मिक्स हैं। उनकी फेवरेट एक्सरसाइज में डेडलिफ्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। हेबा बस जिम में ही वर्कआउट और ट्रेनिंग नहीं करती हैं। उनकी कुछ फेवरेट एक्टिविटीज हैं रॉक क्लाइंबिंग, फ्लिपिंग टायर्स और गर्म रेगिस्तान में दौड़ना भी। उनकी इम्प्रेसिव स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना की वजह से हेबा सुपर हीरो वंडर वुमन की तरह लगती हैं। जी हाँ, हेबा को देखने के बाद में सबसे पहले वंडर वुमन का ही दिमाग में आता है, क्योंकि जो कुछ भी हेबा करती हैं उसे देखकर सबसे पहले कोई भी इंसान वंडर वुमन से ही रिलेट करता है। 6 डोना मूर। दोस्तों, आप क्या करेंगे अगर आपसे 300 पाउंड यानी 150 किलो के लगभग वजन उठाने के लिए कहा जाए? तो मेरे ख्याल से या तो आप मना कर देंगे, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट करते हैं तो भी आपका थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा 300 पाउंड वजन उठाने के लिए, क्योंकि 300 पाउंड वजन उठाना कोई आसान काम नहीं है, और इतना वजन उठाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2016 में ब्रिटिश बॉडी बिल्डर डोना मूर ने वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कंपटीशन का टाइटल जीता था, और उसके बाद भी उनका कोई रुकने का इरादा नहीं है। ये टाइटल जीतने के बाद वो ब्रिटिश की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के साथ साथ एटलस स्टोन का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बना चुकी है। उन्होंने उस टाइटल के लिए सही दावेदार साबित होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो 300 पाउंड के पत्थर को आसानी से उठा लेती है। उन्होंने सबसे ज्यादा वजन वाले पत्थर को उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें उन्होंने 328 पाउंड के वजन को उठाया है, यानी कि वो लगभग लोगों को आसानी से उठा सकती हैं। इनफैक्ट उनको देखने के बाद कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई देती हैं। 5 विल्मा ओल्सन। अभी आप लोग देख रहे हैं स्वीडन की 19 वर्षीय पावर लिफ्टर विल्मा ओल्सन को। 2018 में किवानीज में हुए यूरोपियन क्लासिक ओपन जूनियर एंड सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर उन्होंने 1104 पाउंड वजन को उठाया है। उनको देखने में तो ऐसा लगता है कि वो इस बात पर और भी वजन उठा सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहती। वो डेफिनेटली 99% मेल प्रोफेशनल हैवीवेट पावर लिफ्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो भी बस 19 वर्ष की उम्र में।
स्क्वाड्स में उन्होंने पहले राउंड में 391 पाउंड वजन से शुरू किया, दूसरे राउंड में 407 पाउंड अटेम्प्ट किया और तीसरे राउंड में उन्होंने 418 पाउंड के साथ फिनिश किया, जिससे विल्सन ने आईपीएफ जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 4. जे फुट्स। जे स्विट्जरलैंड की प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जिनकी उम्र 48 साल है। इस उम्र में भी वो दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में गिनी जाती है और दुनिया के 10 बेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर में भी बहुत बार उनको नॉमिनेट किया गया है। 2016 में हुए IFBB शिकागो प्रो में जीतने के बाद वो फीमेल बॉडी बिल्डर्स के सबसे बड़े चैंपियनशिप सितंबर 2016 में होने वाले राइजिंग फीनिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई थी। इस चैंपियनशिप में वो ओवरऑल 12वें रैंक पर रही थी। सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर के साथ साथ जे एक आर्टिस्ट और एक्ट्रेस भी हैं। वो अपने आर्ट वर्क और वर्कआउट वीडियोस के साथ साथ ट्रेनिंग कंटेंट और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट को भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती हैं। 3. हेदर ग्रेस। हेदर ग्रेस डेनवर की रहने वाली IFBB प्रोफेशनल फिगर एथलीट, प्रोफेशनल ट्रेनर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट और कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन कोच है। IFBB वुमेन्स फिजिक प्रोफेशनल एथलीट के अनुसार वो दुनिया में 11 रैंक पर है। एमेच्योर होते ही हेदर ने फिगर के लिए कम्पीट किया और 2011 में उन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया। उन्होंने खुद को 2014 में फिगर से वुमेन्स फिजिक के लिए ट्रांसफॉर्म किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेदर अपने वर्क और ट्रेनिंग के लिए एक्सट्रीमली पेशेंट है। उन्होंने 6 मिस ओलंपिया कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया और 2 बार टॉप 3 के अंदर भी